भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर कार्यालय पर अनुभाग अधिकारी विजय प्रताप के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में भारतीय मजदूर संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधे कृष्ण ने बताया कि वर्तमान में पेंशनधारियों की न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 5000 किया जाए। इससे देश के 65 लाख पेंशन पाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा तथा पेंशनधारियों को आयुष्मान भारत मेडिकल स्कीम से भी जोड़ा जाए, ताकि बुढ़ापे में इन लोगों को जीवन की रक्षा हो सके तथा बेहतर मेडिकल सुविधा मिल सके और पेंशनधारियों की पेंशन को महंगाई भत्ता से जोड़ा जाए। इस अवसर पर मंडल जिला मंत्री बजरंगी दुबे, विभाग प्रमुख राकेश जी, जिला प्रभारी केपी त्रिपाठी, उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद यादव, अवधेश श्रीवास्तव तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय मजदूर संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधे कृष्ण ने कहा, माता की जय, देश खत्म करेंगे काम, देश खत्म करेंगे काम, लेंगे माता हिंदुस्तान, भारत की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रेलवे श्रमिक संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय रेलवे मजदूर संघ की। मेरा नाम राधे कृष्ण तिवारी है, मैं भारतीय मजदूर संघ का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ, साथ ही साथ ईएसआई बोर्ड का सदस्य हूँ, श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश शासन का सदस्य हूँ, पूर्वोत्तर रेलवे के क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूँ। इन सब संगठनों से मेरा लगाव है और मैं भारतीय मजदूर संघ का एक सजग कार्यकर्ता हूँ। किस संबंध में आज ज्ञापन दिया? आज ईपीएफ पेंशनर्स के विषय में उसके बढ़ोतरी के लिए पूरे भारतवर्ष में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो इन कर्मचारियों को जो पीएफ पेंशन मिलती है वो अत्यंत कम है, मैक्सिमम 1000 रुपया दी जा रही है, उसको 5000 करने के लिए हम लोग भारत सरकार के जो पीएफ कमिश्नर का ऑफिस है उसके वहाँ आज अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। इसके मांग पत्र में इन पेंशनरों को अंशुमान योजना से भी जोड़ने की बात कही गई है, साथ ही साथ इन इस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया है कि जो कर्मचारी जिस वेतन मान पर रिटायर होता है उसका मिनिमम 50% पेंशन के रूप में उसको स्वीकृत किया जाए। ये मांग बहुत पुरानी है, लगभग 25 वर्षों से ईपीएफ कर्मचारी अपनी मांगें लगातार सरकार के सामने रखते हैं। सरकार के पास इस मद में 600 लाख करोड़ रुपए रखे हुए हैं, उसके बाद भी इसके मात्र इंटरेस्ट से पीएफ के पेंशनर्स का भुगतान किया जाता है, जबकि ये कर्मचारी अपने जीवन काल में अपने कार्यकाल में अपना पीएफ का अंशदान भी करते हैं और लगातार इस अंशदान में वृद्धि ही होती रहती है। सरकार इन कर्मचारियों पर सहजतापूर्वक विचार करके ये मांग माननी चाहिए। सरकार का हम अत्यंत आभारी होंगे यदि इन तकलीफ में पड़े हुए सीनियर सिटीजन्स की बातें मानेगी।